सो डे टू, टेक्निकली डे वन, कल का दिन तो पूरा ट्रैवलिंग में निकला और हम रात को बहुत लेट पहुँचे थे। आज के दिन हम लोग मिश्का से मिले फर्स्ट टाइम। उसके बाद हमने दुबई आउटलेट मॉल कवर किया, जहाँ पे आपको सारे बड़े ब्रांड्स अप टू 50-60% ऑफ में मिलते हैं। और फिर हम दुबई डाउनटाउन गए, क्योंकि बुर्ज खलीफा हमने देख रखा था। और फाइनली हम लोग मरीना गए डिनर के लिए। क्या है ये? हम लोग आउटलेट मॉल आए हैं आज दुबई में। तो जैसे अपने गुड़गांव में मेल मॉल रोड, वो जो रोड है उस पर आउटलेट मॉल होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आउटलेट मॉल्स हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जितने भी, उन सब 50% से 70% है। तो अगर बजट है, अपैरल्स का बहुत शौक है, तो आराम से मिल जाएगा। तो कोच वोच के बैग्स 25,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने नाइकी वाइकी देखा है, इरे इसको चला लेना एक बार, ठीक है ना, नाइकी वगैरह देखा है हमने, ठीक है। वो और सारे ब्रांड्स ही हैं यहाँ पे, 40-50% ऑफ है। बट हम लोग ऐसे कोई मूड में नहीं है खर्चा करने के अभी, क्योंकि आज ट्रिप स्टार्ट ही हुआ है। तो देखते हैं अभी, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ता है। जो गोप्रो इंडिया में 55,000 का है, टेन यहाँ 35,000 के आसपास का है, वो बहुत काफ़ी सही है। बाकी मतलब टॉमी वॉमी पे भी सही है, और यूगो बॉस, जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया में, मान लो 50% पे हम मिल जाएंगे। बट अभी यार मेरे को पर्सनली लगता है वर्क फ्रॉम होम ऐसा हो गया है कि यार 6-7 हज़ार रुपये की टी शर्ट घर पहन के बैठने का तो कोई सेंस नहीं है। बट हाँ, अगर शौक है तो भाई यहाँ पे आ सकते हैं। आई कीप यू ऑल अपडेटेड ऑन व्हाट हैव वी बॉट, कितना पैसा यहाँ पे लेके आना चाहिए, मैं अपडेट करता रहूँगा और मैं बताता भी रहूंगा इसका एड्रेस वगैरह। बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का है। हेरा, दिस इज अनरियल हेवन। प्राइसिंग प्राइसेस आर लुकिंग हाई, बट बहुत ही रियल है। एक बार वो चेकआउट कर रही है, मैं इसकी लोकेशन वगैरह डाल दूंगा, बट एक बार ज़रूर चेकआउट करेगा। एवरीथिंग आज बन रहा है दुबई में, दुबई गोभी मसाला, गोभी तवा फ्राई मसाला। दिस इज तवा ओनली। शेफ को तो लो जो बना रहा है, कम से कम थोड़ी और आपको के बाहर जाना हो तो पहले यहाँ का नियम है, यहाँ पे पहले चाय बननी चाहिए। रीजो के नाम की चाय जब तक आप नहीं बनाएंगे आप बाहर जा ही नहीं सकते, बिकॉज आपको मजा ही नहीं आएगा, यू वोंट फील गुड। सो फॉर मेक श्योर कहीं भी मेक चाय बिफोर यू लीव इन दुबई, इन दुबई। अरे वो एकदम उबल जाएगा यार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाय बन रही है, चाय में डल रहा है सीक्रेट मसाला, और ये गया दुबई का दूध। यहाँ पे कैन वाला दूध मिलता है,
दूध बहुत अच्छा होता है, दूध में कैल्शियम होता है। और इसमें जा रही है चाय पत्ती, वो है सोसाइटी, एक ऐड आता था ना पहले सोसाइटी। और कितने चम्मच चीनी? 2.5 चम्मच, 3 चम्मच चीनी। का कुछ कहना चाहेंगे आप कैमरे पे? अच्छा, और हेलो, डे 2 हम लोग आए हैं डाउनटाउन जस्ट घूमने, अभी पूरी तरीके से ना शॉपिंग करने आए ना कुछ करने आए, जस्ट टू चिल, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं उनको यहीं पे आना था पास में किसी काम से, सो दे जस्ट ड्रॉप्ड अस हियर। सो फिलहाल हम थोड़ा सा घूम रहे हैं, विल सी हम लोग कुछ ख़रीदना है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, तो वी कैन कम अगेन, बट आज थोड़े नज़ारे लूटने आए हैं हम लोग। थकान नहीं उतरी यार अभी तक, पता नहीं क्यों, क्योंकि ट्रैवल इतना ज़्यादा वो है कि मतलब जो एयरपोर्ट पे थकावट हुई थी उसके बाद कल भी हम लोग काफ़ी घूम लिए थे चलते चलते, तो काफ़ी हो गया था, थक गए थे। सो अभी आज थोड़ा चिल और रिलैक्स मारने का मूड ही है। तो हम लोग, जैसे कि पीछे मेरे देख के पता लग ही गया होगा कि कहाँ है, वी आर एट बुर्ज खलीफा। हम शाम को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने आए हैं इधर, और अभी हम डाउनटाउन में हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट हैं, मतलब जैसे स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट है, जो कि मैं पहले भी दिखाया और अभी भी दिखाता हूँ काफ़ी आगे। बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है और काफ़ी रिलैक्सिंग है और फुल ऑन पैक्ड है। हम वीकेंड पे आए हैं, फुल पैक्ड है, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ कोविड वोविड है यहाँ पे, बट प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा है। और अगर कूल, तो दुबई मॉल में जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा सीधा रास्ता है और एक है सूक की तरफ से आने का, जो मैंने डाउनटाउन सूक की तरफ से आने का, अच्छा ये मेरे ख्याल से नीचे से ही सही है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है, ठीक है। वहाँ पे सारे स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, प्लस आपको एक ब्रिज मिलेगा, देख बताया था अभी, इस ब्रिज से खड़े होके सीधा बुर्ज खलीफा दिखता है, बहुत ही सही यार, ये बहुत ही अल्ट्रा अमेजिंग कैफ़े है, बट आई थिंक हम लोग बाद में आएंगे यहाँ पे। इसका नाम है पैलेस समथिंग समथिंग, पैलेस डाउनटाउन, या बहुत ही अपस्किल रेस्टोरेंट है, तो बजट में आ रहे हो तो फिर नहीं, भूल जाओ, बट अगर खुला पैसा है तो भाई आओ आराम से, हुक्का हुक्का पियो यहाँ पे आके।
बेसिकली तुम टिम हॉर्टन कॉफी के बारे में? लव टिम हॉर्टन वाले भैया को एक मैसेज करना चाहोगी तुम कि इंडिया में कब आएंगे आप? आ जाओ यार प्लीज, आ जाओ प्लीज यार, अगर आप सुन रहे हो टिम हॉर्टन अंकल जी प्लीज इंडिया में आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके दो कस्टमर तो फिक्स हैं। काफ़ी सारी यॉट्स, बेस्ट पार्ट ऑफ दुबई इज यू कैन रेंट, तो पूरा 2-3 घंटे के लिए रेंट करके एंड सब कुछ ग्रिल्स और डिनर ब्रेकफास्ट व्हाटएवर यू कैन डू इट ऑन द बोट इटसेल्फ। प्राइवेट थोड़ा सा एक्सपेंस पड़ता है बट अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट डील। अगर 10-15 लोगों के ग्रुप में आ रहे हो तो भाई एक यॉट बुक कराओ और आराम से मतलब लाइक प्राइवेट यॉट पे चिल मारो। अभी हम लोग आए हैं एक यॉट, प्राइवेट यॉट का पता करने, बुक करने के लिए फॉर द वीकेंड, कुछ छोटा छोटा फंक्शन है उसके लिए। ये वाली यॉट हम देखने आए हैं, सो वैसे 90 सीटर होती है बट कोविड के चक्कर में 50% कैपेसिटी कर रखी है तो 40 मैक्सिमम लोग इसमें कर सकते हैं। ऊपर डेक है, नीचे की तरफ छोटा सा रूम्स वगैरह होते हैं जिसमें आप जाके थोड़ा चिल वगैरह कर सकते हो। उसका जूम का ना अरे ये दाता उसका कभी कुछ खा रही हो तो पता लग जाएगा। अमास पिकल तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं थैंक यू यार पिकल बोलोगे उसको ये रे ना वो रे दबे हुए हैं इसमें। मैंने हीरा से पूछा सब जवाब हीरा के बिहार पर ही ले रहे हीरा किसी वजह से नाराज आपने खाने और